यू सभी लोगों का था को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. आप लोग आए और एक स्पेशल डे है मेरे लिए कि आज हमने अपने फिल्म आवारा बलम का पोस्टर भी लॉन्च किया है और साथ ही आज अनाउंस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट फिल्म. PNJ फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है इसको, जिसके प्रोड्यूसर हैं निशिकांत सर. मुझे ये प्रभार दिया गया है इनके तरफ से नेक्स्ट मूवी वापस डायरेक्ट करने के लिए. और हमारे स्टारकास्ट होंगे कल्लू, म्यूज़िक डायरेक्टर ऑलरेडी पहले से जो मेरी पिछली फिल्म में थे घुंगरू जी अविनाश जी, वो करने जा रहे हैं. तो ये मेरी जो नेक्स्ट फिल्म होगी उसका नाम है कौन बोलेगा, साथ में बोलें एक साथ, कल्लू की दुल्हनिया. जी हाँ, मेरी नेक्स्ट फिल्म का टाइटल होगा कल्लू की दुल्हनिया. और ये एक अलग तरह की कहानी होगी, फैमिली ड्रामा तो होगी ही, बट इसमें सात हीरोइनें होंगी फिल्म में कल्लू के अपोजिट में. और सातों अपना दावा पेश करेंगी कौन होगी कल्लू की दुल्हनिया, और फाइनली कौन बनेगी कल्लू की दुल्हन, वो हम कोशिश करेंगे दिखाने का. दूसरा USP ये है कि इस फिल्म में हम कोशिश करेंगे कि सात स्टेट की हीरोइनें आए हमारे पास. ऑलरेडी हमारे पास तो बिहार, UP और बंगाल और गुजरात की आई, बट कोशिश करेंगे कुछ फ्रेशर्स भी आए फिल्म में. तो ये हमारी नेक्स्ट फिल्म है जिसका नाम है कल्लू की दुल्हनिया. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो आप सभी को फिर से मेरा सादर प्रणाम. आप लोग हमें अपना प्यार देने के लिए इतनी भारी मात्रा में उपस्थित हुए, थैंक यू सो मच आप सभी को. और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, कोई भी बैनर से अगर रिपीट वहीं पूरी टीम होती है तो इसके लिए सारी टीम को के लिए खुशी की बात होती है. PNJ फिल्म्स के द्वारा ये कल्लू की दुल्हनिया का अनाउंसमेंट हुआ. थैंक यू बोलना चाहेंगे निशिकांत सर को और चंदन सर को. रही बात कल्लू की दुल्हनिया का, तो सात हीरोइन इसीलिए रखा जा रहा है कि जिसमें वो क्वालिटी होगी हमारी दुल्हनिया बनने के लिए वही परफेक्ट होगी. तो फिल्म का नाम ये कल्लू की दुल्हनिया, तो देखते हैं हमारी दुल्हनिया कैसे हुई, ये डिसाइड चंदन सर और हमारे चाचा जी निशिकांत सर करें. कल्लू, मैंने उस सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, जब कल्लू असल जिंदगी में भी दुल्हन ढूंढेंगे तो क्या खूबियां होनी चाहिए कल्लू की दुल्हन बनने के लिए? देखिए जानना चाहता हूँ. मैं जहाँ से हूँ, बिहार से बक्सर का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ हमने यहाँ लड़का ना डिसाइड कर सके हमारे दुल्हन कैसे होना चाहिए. हमने यहाँ जो बड़ बुजुर्ग होला हुए है लड़की देखेला और जल कर दस कि ना ठीक लड़की भी है, तब लड़का के शादी करने के बाद. तो यहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं चंदन भैया, हमारे चचा जी हैं, ये देखिए हमारे चचा नहीं हमारे सर हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं. तो इतने बड़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे, घुंगरू सर हैं. तो ये लोग जिसको डिसाइड करेंगे नहीं अच्छी है, क्योंकि इन लोग का एक्सपीरियंस है नहीं, इनको नहीं है. हाँ, हमारी एक यही रहेगी कि जो भी आए हमारे लिए बहुत संस्कारी है, सुशील है, मतलब बड़ों का इज्जत करें, हमारे माता पिता का सेवा करें.